हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, तो ये सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं हम इस समय। एंड इस सीरीज में आज मेरा 19th लेक्चर वीडियो है। 18 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ एंड आज हम आ गए हैं 19th पार्ट पे इस सब्जेक्ट के। एंड आज के लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। पिछले कुछ सालों में ये जो टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस काफी पॉपुलर हो गया है। बहुत सारी रिसर्चेस हुई जिसमें पाया गया कि आईक्यू से ज्यादा ईक्यू की इम्पोर्टेंस है। ठीक है, आईक्यू से ज्यादा ईक्यू की इम्पोर्टेंस है, ऐसा पाया गया। तो तब से ये जो टॉपिक है ना इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल कोशेंट, ये सब बहुत पॉपुलर हो गया है। तो इसी के बारे में हम आज के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि व्हाट इज ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है, इमोशनल कोशेंट क्या है, मेंटल इंटेलिजेंस जिसकी हमेशा से ही बात होती आई है इंटेलिजेंस की, वो क्या होता है, आईक्यू क्या होता है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड मेंटल इंटेलिजेंस इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया, क्यों इतना पॉपुलर टॉपिक हो गया है पिछले कुछ सालों में, वो देखेंगे। एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ईआई इन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, हम ये सारी चीजें जो पढ़ रहे हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे ईआई, एम्प्लॉयज का जो ईआई है वो कैसे हेल्पफुल होगा, तो वो हम भी देखेंगे क्या बेनिफिट है ईआई ऑफ एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आज के लेक्चर में हमें डिटेल में पढ़ने हैं। तो चलिए फिर बिना देरी किए जल्दी से आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगी, प्लीज हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर किया करिए एंड कमेंट करके भी मुझे बताया करिए कि हाउ वॉज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था। हमें मोटिवेशन मिलता है और इसीलिए फिर हम हर दिन आपके लिए लेक्चर वीडियो लाते रहते हैं, तो प्लीज हमें मोटिवेट करते रहा करिए। तो चलिए आज का लेक्चर फिर मैं स्टार्ट करती हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ कि व्हाट इज इमोशन, इमोशन क्या होता है। तो देखो, इमोशन मतलब हिंदी में मतलब होता है, इमोशन का मतलब होता है भावना। ठीक है, तो इमोशन मतलब होता है बेसिकली स्ट्रॉन्ग फीलिंग। हमारी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, चाहे वो फीलिंग लव की हो, हेट की हो, एंगर की हो, फियर की हो, डिसगस्ट की हो, सैडनेस की हो, कोई भी फीलिंग, फ्रस्ट्रेशन की हो, ठीक है, जो भी फीलिंग्स होती है, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है ना, इसी को कहा जाता है इमोशन। इमोशन बेसिकली क्या होता है, अ सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स टू अ पर्सन, थिंग और सिचुएशन। यानी हमारा क्या रिस्पॉन्स है किसी पर्सन की तरफ, किसी चीज की तरफ, किसी सिचुएशन की तरफ, इसी को कहा जाता है इमोशन, हमारी भावनाएं। ठीक है, तो इमोशन क्या है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, दैट इज इमोशन। ठीक, फिर उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस पे आते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस की एक बहुत अच्छी डिफिनीशन दी है डेनियल गोलमैन ने। एग्जाम में आए तो आप यही डिफिनीशन अगर लिख पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो डेनियल गोलमैन ने बहुत अच्छी डिफिनीशन दी है इमोशनल इंटेलिजेंस की। इन्होंने बताया कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। देखिए, इमोशन मतलब तो समझ गए, मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इंटेलिजेंस मतलब समझदारी। तो बेसिकली फीलिंग्स के रिगार्डिंग समझदारी, कुछ यही मतलब बन रहा है ना इमोशनल। ये दो वर्ड से मिलके बना है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशन मतलब हमारी जो फीलिंग्स हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, लव की, हेट की, एंगर की, डिसगस्ट की, सैडनेस की, तो वो हो गए इमोशन। इंटेलिजेंस मतलब समझदारी, तो हमारी इमोशन की तरफ जो समझदारी है दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। मतलब हम कितनी समझदारी से अपने जो भी इमोशंस हैं, लव, फियर, हेट, सोरो, जो जितने भी इमोशंस हैं उनको कितने अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं, उनको कितने अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, उन इमोशन की तरफ हमारी अवेयरनेस क्या है, क्या हम समझ पा रहे हैं कि हमें गुस्सा आ रहा है, हमें हेट है, हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें नहीं डरना, अगर फियर की बात है तो हमें नहीं डरना चाहिए, बट कुछ चीजों से डरना भी चाहिए, डरना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये जो समझदारी है ना, दिस कम्स अंडर इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इन्होंने बताया था इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, इट इज रिफर्स टू इमोशनल अवेयरनेस। हमें अपने जो इमोशंस हैं, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, उसके रिगार्डिंग जो हमारी जागरूकता है, जो अवेयरनेस है, दिस इज इमोशनल इंटेलिजेंस। और ये जो इमोशनल मैनेजमेंट स्किल है, हम अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करते हैं, इसकी जो स्किल है ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस में आता है। एंड इसकी वजह से क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस की वजह से क्या होता है, वो जो पर्सन है वो अपने इमोशंस को प्रॉपरली बैलेंस कर पाता है, मैनेज कर पाता है, एंड इसी की वजह से वो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को और बढ़ा पाता है, मतलब वो खुश रह पाता है बेसिकली पर्सन।
देन करियर वाइज भी ग्रोथ कर पाता है। अगर हम अपने इमोशंस को मैनेज कर पाएंगे तो अपने मूड को मैनेज कर पाएंगे, तो अगर हमारा काम करने का नहीं भी मन है तो भी हम काम करेंगे, ठीक है। हम मोटिवेटेड रहेंगे, अगर हम अपने इमोशन को मैनेज कर पा रहे हैं तो हम मोटिवेटेड रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारी, मतलब अगर प्रोफेशनल टर्म में बात करें तो हमारी ग्रोथ के लिए भी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है। एंड इमोशनल इंटेलिजेंस के कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो इसके कंपोनेंट कुछ ये हैं, सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में अवेयर होना, अपने मूड्स के बारे में, अपने फीलिंग के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में अवेयर होना, एबिलिटी टू मैनेज मूड, यानी हम अपने मूड को कितना मैनेज कर पाते हैं, काम करने का नहीं भी मन कर रहा है तो हम कर रहे हैं, कुछ लोगों को अगर हम नहीं भी पसंद करते हैं बट प्रोफेशनल एटिकेट्स है हमें उनके साथ मिलकर काम करना है, ठीक है। मोटिवेशन यानी मोटिवेटेड रहना, एम्पैथी, एम्पैथी मतलब अपने आप को दूसरों की जगह रख के सोचना, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम को समझना, दैट इज एम्पैथी। सोशल स्किल यानी कैसे लोगों से मिलना है, कैसे मतलब सोशल स्किल डेवलप करना, कोऑपरेशन, लीडरशिप, तो ये सब इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट है, ठीक है। तो आपने देखा मतलब ये इमोशनल इंटेलिजेंस कितना जरूरी है। तो इसीलिए देखिए मेंटल इंटेलिजेंस की बात तो पहले से चली आ रही थी, लेकिन क्योंकि ये जो स्किल है ना, अपने इमोशन को बैलेंस करना, अपने मूड को मैनेज करना, अपने इमोशन के बारे में अवेयर होना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो ये जो टॉपिक है ना इमोशनल इंटेलिजेंस, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है, ठीक है। तो दिस इज इमोशनल इंटेलिजेंस, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। इसमें जो कीवर्ड्स हैं मैंने उनको हाईलाइट कर दिया है, ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इमोशनल अवेयरनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब इमोशनल अवेयरनेस, इमोशनल मैनेजमेंट स्किल, इमोशन को बैलेंस करना ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस पा सकें, ग्रोथ पा सकें, सक्सेस पा सकें, तो दिस इज इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इसके अंदर ये सारे कंपोनेंट आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताती हूँ कुछ मेन इमोशंस, पर्सन के मेन इमोशंस कौन से होते हैं, एंगर का, एंजॉयमेंट का, फियर का, सरप्राइज का, लव का, शेम का, डिसगस्ट का, सैडनेस का, तो यही तो मेन इमोशंस होते हैं किसी भी पर्सन के, ठीक है। तो इन्हीं सबको मैनेज करना, इनके बारे में अवेयर होना, तो दिस इज इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं मेंटल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस की। तो देखिए मेंटल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, ठीक है, बहुत समझदार, इंटेलिजेंट हम बोलते हैं। तो इंटेलिजेंस बेसिकली क्या है, इंटेलिजेंस है मेंटल कैपेबिलिटी ऑफ अ पर्सन, किसी भी पर्सन की जो दिमाग की शक्ति है, मेंटल कैपेबिलिटी है, इसी को कहा जाता है इंटेलिजेंस। एंड ये जो इंटेलिजेंस है किस बात पे डिपेंड करती है, स्ट्रक्चर ऑफ वंस ब्रेन, किसी पर्सन का ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, इसके बेसिस पे उसकी इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धिमत्ता होती है, ठीक है। एंड इंटेलिजेंस को कैसे मेजर किया जाता है, हम आईक्यू के बारे में आपने बहुत सुना होगा, आईक्यू, इंटेलिजेंस कोशेंट, तो इंटेलिजेंस कोशेंट से इंटेलिजेंस को मेजर किया जाता है, ठीक है। आईक्यू कैसे, सॉरी इंटेलिजेंस कैसे मेजर की जाती है, आईक्यू से मेजर की जाती है। तो देखिए मैंने लिखा है इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ कंपैरिजन बिटवीन वंस क्रोनोलॉजिकल एज एंड मेंटल एज, एंड जो निकल के आता है उसको कहा जाता है आईक्यू। अभी मैं आपको बताती हूँ, देखिए इंटेलिजेंस, ये जो मेंटल इंटेलिजेंस है इसको कैसे मेजर करते हैं, इसको मेजर करते हैं आईक्यू से, इंटेलिजेंस कोशेंट से मेजर करते हैं। तो अब इंटेलिजेंस क्वेश्चन से कैसे मेजर करेंगे, तो उसका फॉर्मूला दिया गया है, उसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, फॉर्मूला क्या है, एम ए डिवाइडेड बाई सी ए मल्टीप्लाइड बाई 100। एम ए क्या है, एम ए इज द मेंटल एज, ठीक है। आई क्यू का फॉर्मूला क्या है, आई क्यू का फॉर्मूला है एम ए, एम ए मतलब मेंटल एज डिवाइडेड बाई क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाई 100। इस फॉर्मूले की मदद से यू कैन कैलकुलेट आई क्यू, आप आई क्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मेंटल एज क्या होता है, मेंटल एज बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिनसे मेंटल एज कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिनसे मेंटल एज कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक बार फिर से फॉर्मूला लिख ले रही हूँ, एम ए मेंटल एज कैलकुलेट की जाती है। सी ए क्या है, सी ए इज क्रोनोलॉजिकल एज, यानी नॉर्मली जो पर्सन की जो एज है, जो डेट ऑफ बर्थ से जो एज निकलती है, दैट इज क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये फॉर्मूला है जिससे आप किसी पर्सन का आई क्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए एक पर्सन है जिसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो है कितनी, 25, लेकिन बहुत सारे टेस्ट हुए जिससे मेंटल एज कैलकुलेट की गई और वो निकल के आई 30, ठीक। तो अगर पूछा जाए मेंटल एज अगर 30 है, क्रोनोलॉजिकल एज मतलब वो बच्चा, वो जो पर्सन है 25 ईयर का है, तो आपको बताना है आई क्यू, आई क्यू बताना है, तो आप क्या करिए, लिखिए एम ए बाई सी ए, एम ए मतलब मेंटल एज 30, सी ए मतलब क्रोनोलॉजिकल एज 25,
मल्टीप्लाइड बाय 100, 100 से मल्टीप्लाई किया तो फिर आपका निकल के आ जाएगा 120, यानी उस पर्सन का आईक्यू कितना है 120। ऐसे आईक्यू कैलकुलेट होता है, बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन ये जो मेंटल एज है होती है ना, क्रोनोलॉजिकल एज तो आपको पता चल जाएगी, पता होगी, लेकिन मेंटल एज जो होते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिनसे कैलकुलेट किया जाता है, तो वो बस कैलकुलेट करना होता है, बाकी तो आप आईक्यू आसानी से किसी पर्सन का कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं ईक्यू की। आईक्यू की तो हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं ईक्यू की। तो अब आप समझ गए होंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस समझ गए हैं, तो अब ईक्यू भी समझ जाएंगे। ईक्यू क्या है? ईक्यू वो मेजर है जिससे हम ईआई मेजर करते हैं। जैसे मेंटल इंटेलिजेंस आपको मेजर करना है तो आप कैसे मेजर करते हैं? आईक्यू से मेजर करते हैं ना, इंटेलिजेंस क्वेश्चन से मेजर करते हैं। तो उसी तरीके से अगर इमोशनल इंटेलिजेंस आपको मेजर करनी है तो किससे मेजर करेंगे? ईक्यू से। ईक्यू मतलब इमोशनल क्वोशेंट। तो इमोशनल क्वोशेंट से आप मेजर कर सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस किसी भी पर्सन की, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या? इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब हम कैसे अपनी लाइफ में, हर दिन, डे टू डे लाइफ में हम अपने इमोशंस को किस तरीके से मैनेज करते हैं, किस तरीके से उसे बैलेंस करते हैं, यही क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस। एंड इमोशनल इंटेलिजेंस को हम मेजर कर सकते हैं किससे? इमोशनल क्वोशेंट से, ठीक है। एंड एक बात और है कि ये जो इमोशनल क्वोशेंट है, दिस इमर्ज फ्रॉम द माइंड स्टेटस ऑफ अ पर्सन। ये जो इमोशनल क्वोशेंट है, ये किसी पर्सन की मनोस्थिति से कैलकुलेट होता है। जो ईक्यू है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है किसी पर्सन की मनोस्थिति, यानी वो पर्सन मोटिवेटेड है कि नहीं, सेटिस्फाइड है कि नहीं, ठीक है। इन सब बातों को रिप्रेजेंट करता है ईक्यू। ये किसी पर्सन की ब्रेन को, उसकी इंटेलिजेंस नहीं मेजर करता है। ईक्यू जो है किसी पर्सन की माइंड स्टेट, मेंटल स्टेटस मेजर करता है। मेंटल पीस है कि नहीं है, वो शांत है कि नहीं है, वो फ्रेंडशिप उसमें स्किल है कि नहीं है, अवेयरनेस है कि नहीं है, हैप्पीनेस है कि नहीं है, सेल्फ कंट्रोल अपने पे काबू कर सकता है कि नहीं कर सकता है, फोकस्ड है कि नहीं है, बैलेंस्ड है कि नहीं है, ये सब ईक्यू मेजर करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली पर्सन की माइंड स्टेटस बताता है, ये किसी पर्सन का ब्रेन से नहीं कैलकुलेट होता है, ठीक। तो ईआई क्या है? इट्स अ साइकोलॉजिकल फिनोमेनन। ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये बेसिकली क्या है? ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेनन है, ठीक। तो दिस इज मेंटल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। आई होप आपको काफी अच्छे समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ना है, अभी हमें इंपॉर्टेंस भी पढ़नी है, बट उससे पहले ना मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी जुलाई 2024 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड सेकेंड चैनल पूजा सिंह के नाम से है, इन दोनों चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, ये एक बार वीडियो पॉज करके देख लीजिए, ये सारे सब्जेक्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ। एक बात और है, ये अभी तक है, अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, जैसे इसमें मैंने ओबी नहीं लिखा है क्योंकि ओबी अभी चल रहा है, अभी हमने कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है। और एक बात और है, प्लीज हमें मोटिवेट करने के लिए मेरे फर्स्ट चैनल एंड सेकेंड चैनल दोनों को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें से जो कुछ सब्जेक्ट है फर्स्ट चैनल पे है, कुछ सब्जेक्ट सेकंड चैनल पे है, राइट। एंड अगर नोट्स चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिए, वहां पे टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन में डालती रहती हूँ। एंड कमेंट करके अगर हो पाए तो मुझे बताइएगा कि यू आर फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी, आप किस यूनिवर्सिटी या किस कॉलेज के हैं, वो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे मैं फिर आगे के लेक्चर प्लान कर पाऊंगी, कौन सा सब्जेक्ट हम अगला पढ़ाएं वो मैं प्लान कर पाऊंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ईआई, यानी ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो बहुत सारी रिसर्च हुई तो उसमें क्या पाया गया कि किसी भी पर्सन की जो सक्सेस है, किसी भी पर्सन की जो ग्रोथ है ना, करियर वाइज जो ग्रोथ करता है या लाइफ में भी जो ग्रोथ कर रहा है, सक्सेस कर रहा है, उसमें केवल 20% कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है? इंटेलिजेंस क्वेश्चन का। और जो 80% कॉन्ट्रीब्यूशन है वो किसका है? ईक्यू का, इमोशनल क्वेश्चन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च है, इवन बहुत सारी बुक्स में ये बात लिखी हुई है, ये काफी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करूंगी। ये बातें आपने बहुत सारी बुक्स में भी पढ़ी होगी, ओबी की नहीं, नॉर्मल ऐसे सेल्फ हेल्प बुक्स होती है ना, उनमें भी ये बात आपने बहुत पढ़ी होगी। ये क्या कहा गया है? ये कहा गया है कि किसी भी पर्सन की ग्रोथ में केवल 20% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उसकी इंटेलिजेंस का, उसकी मेंटल इंटेलिजेंस का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो केवल 20% होता है, ठीक है। 80% जो आपकी सक्सेस हो रही है
ठीक है, वो किसकी वजह से हो रही है, वो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस की वजह से हो रही है। वो किसकी वजह से हो रही है, इमोशनल कोशेंट की वजह से। अगर किसी पर्सन का इमोशनल कोशेंट हाई है तो उसके 80% चांसेस हैं ग्रो करने के। लेकिन अगर किसी पर्सन का केवल मेंटल इंटेलिजेंस हाई है, इमोशनल इंटेलिजेंस उसका कम है, तो उसके केवल 20% चांसेस हैं ग्रो करने के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, बहुत सारी बुकों में ये बात को मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यानी क्या पाया गया, तो ये वाइडली यानी सभी लोगों ने माना कि इमोशंस रादर देन IQ मे बी द ट्रू मेजर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। यानी किसी पर्सन की अगर सही मतलब एक्यूरेट आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस मेजर करना है या जानना है, तो उस पर्सन के इमोशनल इंटेलिजेंस को देखो, उस पर्सन के इमोशनल क्वोशेंट को देखो रादर देन IQ। ठीक, अगर कोई पर्सन हाई EQ का है, अगर किसी पर्सन का इमोशनल इंटेलिजेंस जो है या इमोशनल क्वोशेंट हाई है, तो वो पर्सन क्या होगा, वो पर्सन बैलेंस्ड होगा, उसका मूड बैलेंस्ड होगा, उसका बिहेवियर बैलेंस्ड होगा, वो पर्सन फोकस्ड होगा, वो पर्सन सेल्फ कंट्रोल्ड होगा, यानी उसे अपने आप पे कंट्रोल है, गुस्सा कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ पे कितना करना है, उसको अपने ऊपर कंट्रोल है। वो पर्सन मोटिवेटेड होगा, वो पर्सन सेटिस्फाइड होगा, उसके पास मेंटल पीस होगा, यानी वो डिस्टर्ब नहीं होगा। एप्रिशिएशन, उसे दूसरों को एप्रिशिएट करना, अच्छे काम के लिए एप्रिशिएट करना भी आता है, उसमें फ्रेंडशिप स्किल होगी, उसमें फुलफिलमेंट की भावना होगी, उसमें अवेयरनेस होगी, अपने बारे में जानकारी होगी, जागरूकता होगी, वो पर्सन खुश होगा, हैप्पी होगा। तो ये हाई IQ सॉरी हाई EQ पर्सन के ये सारे फीचर्स हैं। जबकि अगर किसी पर्सन का लो EQ है, तो वो पर्सन क्या होगा, उसका बिहेवियर इनस्टेबल होगा। आपने देखा होगा बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग होते हैं जिनका IQ तो बहुत हाई है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उनका बिहेवियर कितना इनस्टेबल है ना, उन्हें ये भी नहीं पता किसको किससे किस तरीके से बात की जाती है, उनका बिहेवियर हाईली इनस्टेबल है, वो लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। अगर लो EQ है तो वो लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, डिसअपॉइंटेड होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, उनकी लाइफ में एक खालीपन, एक एम्प्टीनेस होती है। उनके पास पैसा है, IQ है, लेकिन फिर भी उनके लाइफ में लोनलीनेस होती है, एम्प्टीनेस होती है, दुखी रहते हैं, गिल्ट में रहते हैं, सौरो रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर, वो दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो लो EQ के ये सारे फीचर हैं, लो EQ पर्सन के ये सारे फीचर हैं, हाई EQ पर्सन के ये सारे फीचर हैं, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं। और मैं इसको मार्क करूंगी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये समझ गए ना, तो आप इजिली मतलब समझ सकते हैं कि वाई दिस EI इज इंपॉर्टेंट। अगर आप ये दोनों फीचर समझ गए, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि EI क्यों जरूरी है हमारे लिए, हाई EI क्यों जरूरी है। तो चलिए, तीन इंपॉर्टेंट्स EI की मैं बताने जा रही हूँ। अभी हम EI की इंपॉर्टेंस समझेंगे, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि EI एक ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में क्यों इंपॉर्टेंट है। ये तो मैं नॉर्मल नॉर्मल मतलब हमारी लाइफ में EI की क्या इंपॉर्टेंस है ये बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहली इंपॉर्टेंस EI की क्या है, रेशनैलिटी इन बिहेवियर। यानी हमारे बिहेवियर में रेशनैलिटी आती है, रेशनैलिटी मतलब बेस्ड ऑन रीजन, यानी जो भी हमारा बिहेवियर होगा वो कुछ रीजन पे बेस्ड होगा। अगर हम गुस्सा हो रहे हैं, ठीक है, अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो उसके पीछे कुछ कारण होगा, ठीक है, हमारे थॉट्स क्लियर होंगे, हमारी जो भी सोच है क्लियर होगी, हमारे रीजंस क्लियर होंगे। तो अगर किसी पर्सन का EI हाई है, तो इसका मतलब क्या है, उसका जो बिहेवियर होगा दैट वुड बी रेशनल, वो रेशनल बिहेवियर होगा, यानी रीजंस पे बेस्ड होगा, लॉजिकल बिहेवियर होगा, उसके जो विचार है वो क्लियर होंगे, थॉट्स क्लियर होंगे। जबकि जो लो EI पर्सन होगा वो क्या होगा, रॉन्ग परसेप्शन ऑफ द सिचुएशन, यानी वो सिचुएशन को गलत ढंग से लेगा, ठीक है, वो कोई भी इंफॉर्मेशन को गलत ढंग से इंटरप्रेट करेगा, और वो अपने इमोशंस पे ज्यादा बिलीव करेगा रादर देन रियलिटी, यानी वो रियलिटी को नहीं देखेगा, उसके इमोशन जैसा कहेंगे वैसा काम करेगा, ठीक है, अगर किसी पर्सन का लो EI है तो। तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस कि अगर किसी पर्सन का हाई EI है, तो उसका बिहेवियर भी रेशनल होगा, बैलेंस्ड होगा, अवेयर्ड होगा, क्लियर होगा, ठीक है, रीजन के साथ उसका जो भी बिहेवियर है वो होगा। दूसरी जो इंपॉर्टेंस है, दैट इज फुलफिलिंग सोशल ऑब्जेक्टिव। तो देखिए, हाई EQ वाला जो पर्सन है, वो दूसरों के साथ वैसे ही बिहेव करेगा जैसा वो चाहता है दूसरे उसके साथ करें। समझ में आ रहा है? हाई EQ वाला जो पर्सन है, वो दूसरों के साथ सेम बिहेवियर वैसे ही करेगा जैसा वो दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहा है। तो हम जनरली फिर हम दूसरों से तो अच्छा ही एक्सपेक्ट करते हैं ना, तो यानी हम भी दूसरों से अच्छा बिहेव करेंगे, और इससे क्या होगा, इससे समाज में, सोसाइटी में जहां पे वो पर्सन रहता है उसमें हैप्पीनेस आएगी। हम अपने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव
और जो वर्क ऑर्गेनाइजेशन जहां पे हम काम करते हैं, हम लोगों को अच्छे से ग्रीट करेंगे, अच्छे से ट्रीट करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से बिहेव करेंगे। जबकि जो लो ईक्यू का पर्सन होता है वो क्या होता है, वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, अपने बारे में सोचता है, दूसरों से अच्छे से बिहेव नहीं करता है। ठीक है, तो ये दूसरी इंपॉर्टेंस है कि फुलफिलिंग सोशल ऑब्जेक्टिव, जो सोसाइटी में रहने के जो बिहेवियर होना चाहिए वैसा रहता है, वैसा बिहेवियर करते हैं हाई ईआई वाले पर्सन। एंड नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है ईआई की, दैट इज हाई ईक्यू ब्रिंग्स हैप्पीनेस। ये जो हाई ईक्यू है, वो पर्सन जिसका ईक्यू हाई है या उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा है, वो समाज में या कह लीजिए वो खुशियां लेके आता है समाज में, फैमिली में, फ्रेंड्स में, हैप्पीनेस स्प्रेड करता है। क्यों बताइए, क्यों स्प्रेड करता है? इसका कारण यहाँ पे दिया गया है, क्यों स्प्रेड करता है, क्योंकि देखिए हाई ईक्यू वाला पर्सन क्या होगा, बैलेंस्ड होगा, फोकस्ड होगा, मोटिवेटेड होगा, सेल्फ कंट्रोल्ड होगा, मेंटल पीस है, वो डिस्टर्ब नहीं है, उसे फ्रेंडशिप करनी आती है, अवेयर्ड है, हैप्पीनेस स्प्रेड करता है। तो इसलिए ना इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, हाई ईक्यू ब्रिंग्स हैप्पीनेस, ये खुशियां लाती है। ठीक है, अगर हमारा हाई ईक्यू है तो हम खुश रहेंगे, हम फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहेंगे, दुखी नहीं रहेंगे, हम खुश रहेंगे। ठीक है, और अगर दुखी हैं तो उसका भी कुछ कारण होगा। ठीक है, हमारा बिहेवियर क्या होगा, हमारा बिहेवियर रेशनल होगा, हम अगर दुखी हैं तो उसका भी एक लॉजिक हो, उसके पीछे भी एक रीजन होगा। ठीक, तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ईआई। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ईआई की इंपॉर्टेंस है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट, एक छोटा सा कंफ्यूजन कह लीजिए। काफी लोग ये सोचते हैं कि अगर हम दूसरों के साथ अच्छे हैं, बीइंग नाइस टू अदर्स, अगर हम दूसरों के से अच्छे से बात कर रहे हैं, हम दूसरों के साथ अच्छे हैं, तो इसका मतलब होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। बट बताते यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब ये नहीं होता है कि बीइंग नाइस टू अदर्स, दूसरों के साथ अच्छा होना, ये इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब होता है रेशनल बिहेवियर, यानी हमारा बिहेवियर जो है रेशनल होना चाहिए, हमारा बिहेवियर लॉजिक पे, रीजन पे बेस्ड होना चाहिए। कोई हमारा नुकसान किए जा रहा है, या कोई हमारे घर से चोरी करके जा रहा है, या कोई हमें नुकसान पहुंचा रहा है, फिर भी हम क्या नाइस अच्छे रहेंगे दूसरों के साथ? तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिहेव करना, जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना, जहां गुस्सा करने की जरूरत है वहां गुस्सा करना, जहां से प्यार से काम कराने की जरूरत है वहां पे प्यार से काम कराना, दिस इज इमोशनल इंटेलिजेंस। बेसिकली मैनेजिंग फीलिंग्स या इमोशंस को मैनेज करना एंड उसको अप्रोप्रिएटली एक्सप्रेस करना, जहां प्यार लव शो करने की जरूरत है, एक्सप्रेस करने की जरूरत है, उसे वहां शो करना, और जहां पे थोड़ा गुस्से से काम कराने की जरूरत है वहां पे गुस्सा दिखाना, दिस इज इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक, हर जगह अच्छा बने रहने से भी काम नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ईआई के बारे में, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आखिरी टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, बेनिफिट्स ऑफ ईआई इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या बेनिफिट है ईआई का? ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ईआई क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इसका जो जवाब है, अगर आपने ये स्लाइड ढंग से समझ ली है, ये वाली हाई ईक्यू पर्सन के ये सारे फीचर हैं, तो हाई ईक्यू पर्सन बैलेंस्ड होता है, फोकस होता है, सेल्फ कंट्रोल होता है, मोटिवेटेड होता है, सैटिस्फाइड होता है, मेंटल पीस होती है, एप्रिशिएशन, फ्रेंडशिप, फुलफिलमेंट, अवेयरनेस, हैप्पीनेस होती है। तो अगर ये फीचर्स होंगे तो ऐसा पर्सन क्या होगा, ऐसे पर्सन की प्रोडक्टिविटी नो डाउट बढ़ेगी। अगर कोई पर्सन मोटिवेटेड है तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ना, और ऐसे पर्सन हमेशा न्यू जो चेंजेस हैं उनको अडेप्ट करने के लिए भी हमेशा रेडी हैं, ऐसे पर्सन फ्लेक्सिबल होते हैं और उनमें लीडरशिप स्किल भी डेवलप होती है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। और जो जिन पर्सन का हाई ईआई होता है वो स्टिमुलेटिंग, दे स्टिमुलेट क्रिएटिविटी एंड कोऑपरेशन, वो नए नए आइडियाज, नई नई क्रिएटिविटी ऑर्गेनाइजेशन में लेके आते हैं और वो कोऑपरेटिव होते हैं एंड रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू कॉम्पिटिशन, यानी वो कॉम्पिटिशन को एक हेल्दी कॉम्पिटिशन लेके चलते हैं, अच्छे से उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये क्यों कर पाते हैं? बिकॉज दे हैव हाई ईक्यू, उनका ईक्यू हाई है, तो इसीलिए ईक्यू या इंटेलिजेंस, ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। और जो हाई ईक्यू वाले पर्सन होते हैं उनमें इनोवेटिव आइडियाज को भी वो इनकरेज करते हैं, वर्क इन्वायरमेंट अच्छा बना के रखते हैं, क्योंकि वो खुश रहते हैं और सामने वाले को भी खुश रखते हैं, वो मोटिवेटेड रहते हैं, वो सेटिस्फाइड रहते हैं, तभी वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहते, उनका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई नहीं रहता है। ठीक है, और उनमें एक सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस होती है। तो ये सारे चीजें जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशंस में अब क्या होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट तो होता ही है,
किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी पर्सन को, कैंडिडेट को जब रिक्रूट किया जाता है तो इंटेलिजेंस टेस्ट तो होता ही है, बट उसके साथ इमोशनल इंटेलिजेंस भी चेक की जाती है किसी भी कैंडिडेट की। क्यों? क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस के ये सारे फायदे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एक हाई ईक्यू वाला पर्सन प्रोडक्टिविटी लाता है, फ्लेक्सिबल होता है, लीडरशिप स्किल होती है, क्रिएटिव होता है, कंपटीशन को एक हेल्दी कंपटीशन लेके चलता है, वर्क एनवायरनमेंट बढ़िया रखता है, न्यू आइडियाज लाता है, कम फ्रस्ट्रेटेड रहता है, स्ट्रेस लेवल उसका लो रहता है, एंड एक सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस होता है उसमें। ठीक है, तो इसीलिए आजकल ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। पिछले कुछ सालों में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इमोशनल इंटेलिजेंस का भी टेस्ट करती हैं, तभी किसी एम्प्लॉय को अपने यहाँ पे रिक्रूट करती हैं, उसके बाद ही अपने किसी को रिक्रूट करती हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आज के लेक्चर में हमने इमोशनल इंटेलिजेंस को बहुत डिटेल में समझा पढ़ा। अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 20 में हम पढ़ेंगे इंटरपर्सनल बिहेवियर, जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है TA, ट्रांजेक्शनल एनालिसिस, जिसमें हम जोहरी विंडो एंड ईगो स्टेट्स पढ़ेंगे। जोहरी विंडो बहुत इंपॉर्टेंट है, ईगो स्टेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला टॉपिक हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो तब तक आप ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस मैंने पढ़ाया है इसको पढ़ के रखिएगा। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।